हेलो एवरीवन वन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बिज़नेस लॉ वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट एंड वी विल सी सिलेबस फर्स्ट हाउ मेनी चैप्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न हाउ मेनी मॉड्यूल्स वी आर गोइंग टू कवर सो जो आपका बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है तो कुछ पार्ट मैं कवर करवाऊँगा कुछ पार्ट अदर फैकल्टीज कवर करवाएंगे तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो बिजनेस लॉ है उसमें क्या क्या सिलेबस है एंड सेमेस्टर थ्री में हमें क्या क्या चैप्टर्स को पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट इज़ न्यू फॉर यू एंड दिस सब्जेक्ट विल बी ओनली इन एस वाई बी कॉम ओनली इन दर्ड ईयर ऑफ बी कॉम यू ना नॉट हैव दिस सब्जेक्ट सो बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारे सेक्शंस हमें कवर करने हैं बहुत सारे पॉइंट्स उसमें पढ़ने हैं और थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसलिए पहले से ही पढ़ते रहे बिकॉज आपको अगर आप टाइम पे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा सकता है इसलिए पहले से ही आपको इसको पढ़ना है सिलेबस देखेंगे कि हाउ मेनी मॉड्यूल्स वी आर गोइंग टू कवर सो मॉड्यूल नंबर वन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पुराना एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो so, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी चीजें हम इसमें एक एक करके कवर अप कर लेंगे मॉड्यूल नंबर वन काफी बड़ा चैप्टर है मॉड्यूल नंबर सेकेंड जो हमें पढ़ना है दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट टू तो पार्ट टू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे कंसेंट हम पढ़ेंगे वर्ड एग्रीमेंट्स हम पढ़ेंगे कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी है वो भी हम इसमें कवर अप करेंगे मोड्स ऑफ डिस्चार्ज हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एक पुराना एक्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक एक करके कवर अप करनी है सो मॉडल नंबर वन इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मॉडल नंबर सेकेंड इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट बट पार्ट टू उसके बाद अगर हम देखें मॉड्यूल नंबर थ्री की बात करें तो मॉड्यूल नंबर थ्री में भी हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे बट यहाँ पे विल बी कवरिंग अबाउट द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज लॉ ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी लॉ ऑफ बेलमेंट लॉ ऑफ प्लेच लॉ ऑफ एजेंसी ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मॉड्यल नंबर थ्री में एक एक करके कवर अप कर लेंगे सो इफ़ यू सी मॉडल नंबर वन मॉडल नंबर टू एंड मॉडल नंबर थ्री टोटली रिलेट्स विद योअर चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड विच केम इन टू एक्जिस्टेंस इन द ईयर एटीन सेवेंटी टू सो बहुत सारी चीज़ें हमको इसमें कवरअप करनी है मैंने पहले भी आपको बताया फिर से एक बार बताता हूँ सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है अगर आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने में इजी जाएंगे अगर आप इसको ऑन द टाइम पढ़ोगे एग्जाम आने के पहले पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट पेपर सो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज मॉड्यूल नंबर फोर मॉड्यूल नंबर फोर हम एक नया एक्ट पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच वॉज पास इन द ईयर नाइनटीन इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में इसमें डिस्कशंस करेंगे फिर कंडीशंस क्या होते हैं वारंटीज़ क्या होते हैं अनपेड सेलर के राइट्स क्या है uh, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं सो दैट विल बी सेल ऑफ द गुड्स एक्ट नाइनटीन ओके नेक्स्ट मॉड्यूल की अगर हम बात करें मॉड्यूल नंबर फिफ्थ की तो मॉड्यूल नंबर फिफ्थ एक नया एक्ट पढ़ेंगे दैट विल बी नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट लेकिन यहाँ पे हम नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स का अमेंडेड एक्ट पढ़ने वाले हैं जो 2015 में अमेंडमेंट इस एक्ट में हुआ है नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सो वी विल बी कवरिंग द प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट ये सारे पॉइंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉ का सिलेबस में वी हैव टू स्टडी डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बिकॉज लॉ की बात करें तो लॉ में तो एक्ट्स कवर होंगे और ये जो एक्ट्स है ये बेसिकली हम पांच मॉड्यूल्स में पढ़ने वाले हैं अगर सबसे बड़ा एक्ट देखें तो आपने अभी देखा होगा तीन मॉड्यूल में तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ने वाले हैं सो वी आर गोइंग टू लर्न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू इन मॉड्यूल नंबर वन मॉड्यूल नंबर टू मॉड्यूल नंबर थ्री मॉड्यूल नंबर फोर में विल बी कवरिंग दी सेल ऑफ द गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी एंड मॉड्यूल नंबर फाइव में हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन एक्चुअली टू लर्न तो ये अपना पूरा सिलेबस है अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो मॉड्यूल नंबर वन पे आपको चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉड्यूल नंबर वन पे आपको चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो चार क्वेश्चंस दस दस मार्क्स के होंगे और आपको कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें से ऐसे ही आपका पूरा पेपर पैटर्न है क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ये पूरा का पूरा सेम है वन क्वेश्चन नंबर वन में चार क्वेश्चन मॉड्यूल वन से क्वेश्चन नंबर टू में चार क्वेश्चन मॉड्यूल टू से क्वेश्चन नंबर थ्री में चार क्वेश्चन मॉड्यूल थ्री से सिमिलरली फॉर फोर एंड सिमिलरली फॉर फाइव हर एक में से आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मतलब चार में से आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दो आपके ऑप्शन में जा सकते हैं और ऐसे आपका पेपर हंड्रेड मार्क्स का कवर अप हो जाएगा तो आज हम थोड़ा सा इसका पॉइंट पढ़ने वाले हैं ये मैंने अभी आपको बताया पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर अगले लेक्चर से बाकी की चीजें कवर अप करवाऊंगा तो इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ सो इंग्लिश लॉ के बेसिस पे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस है बिकॉज काफी पुराना है एटीन ईयर में फॉर्म हुआ था एंड दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर एटीन सेवनटी टू एंड केम इन टू फोर्स ऑन फर्स्ट सप्टेम्बर एटीन सेवनटी टू आपको डेट एक्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है बट आपको ईयर याद रखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सो so, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पुराना एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ के बेसिस पे बेस है एंड ये जो एक्ट था फर्स्ट सप्टेम्बर एटीन सेवनटी टू में फोर्स uh, में आया था इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर तो पहले ऐसे पॉइंट्स थे बुक में भी आपको ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन अगर आप अभी फिलहाल के बेसिस पे नए रूल्स देखोगे तो आर्टिकल 372 टू तो आप सभी जानते हैं उसको रिमूव करने के बाद जो भी एक्ट है वो सारे के सारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है पहले की अगर बात करते तो एवरी एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के वो एक्ट एप्लीकेबल होता था लेकिन फिलहाल अभी थ्री सेवेंटी टू के बाद ये चेंजेस होंगे लेकिन फिलहाल बुक में ऐसा दिया है तो उसी के बेसिस पे मैंने भी यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दिया है दैट इज इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर तो काफ़ी सारे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन्स एप्लीकेबल होंगे उसके बेसिस पे एक्ट फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो जाएगा फर्दर अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो एक एक करके डेफिनेशन को देखते हैं देखो सबसे पहला जो डेफिनेशन है दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एज प्रपोजल देखो प्रपोजल क्या होता है वेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग अगर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक हमारे बीच में अगर कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट होना है तो मैं आपको सबसे पहले प्रपोज करूंगा कि एग्जैक्टली exactly ये ये ऐसे टाइप के गुड्स मैं आपको बेचना चाहता हूँ तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को कुछ एक्टिविटी के लिए पूछता है और उसकी अगर विलिंगनेस मिलेगी उस वो अगर सामने वाला पर्सन भी एग्री होता है तो उसके बेसिस पे उसे हम प्रपोजल के नाम से जानते हैं बिकॉज प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैंने एक पर्सन ने किसी और को डरा धमका के अगर उससे एग्रीमेंट उससे हाँ करवाइए तो दैट इज कंसिडर एज कोयर्शन तो ये अंड्यू इन्फ्लुएंस कोयरशन ये बड़े बड़े नाम सभी आपको बहुत बार सुनने मिलेंगे तो जो सामने वाला पर्सन है उसका कंसिडरेशन भी फ्री होना चाहिए फ्री कंसेंट बहुत जरूरी होता है दैट इज प्रपोजल नंबर सेकेंड इज एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो एग्रीमेंट की बात करें तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट क्या होता है एक पर्सन ने जो प्रोमिस किया या फिर बहुत सारे प्रॉमिसेस किए उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलने वाला है तो दैट इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेक्शन टू सबसेक्शन एच में उसका डेफिनेशन दिया है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट है उसको लॉ के बेसिस पे एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए तो ही हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे अदरवाइज उसे हम कॉन्ट्रैक्ट मान नहीं सकते सो एग्रीमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन बिजनेस लॉ अगला जो पॉइंट है वो है वर्ल्ड एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल मतलब मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया लेकिन वो लॉ के बेसिस पे वो एग्रीमेंट बराबर नहीं है तो उसे हम बिजनेस लॉ के लैंग्वेज में वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो रद्द है वो एग्रीमेंट अगर मैं किसी के साथ भी करूंगा और वो एनफोर्सिबिलिटी उसका लॉ के बेसिस पे अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी तो ऐसे एग्रीमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ कोई भी एग्रीमेंट नहीं मानता तो दैट इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट नॉट एन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ सेट टू बी वॉइड तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए एन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए अगर एन्फोर्सिएबल बाय लॉ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर एन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं हुआ तो उसे हम वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है

तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट वॉइड का मतलब होता है रद्द रद्द करना वो एग्रीमेंट को कोई भी इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कैन एग्रीमेंट बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट अगले पॉइंट में जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सियब बाय बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल अभी ये क्या है एक्चुअली देखो कैसा है अगर एक पर्सन है वो पर्सन ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया एग्रीमेंट तो परफेक्ट था एनफोर्सेबल बाय लॉ था लेकिन उसने कुछ ऐसे एक्टिविटीज किए जो एग्रीमेंट के अगेंस्ट थे तो सामने वाले पर्सन को उसके बेसिस पे लॉस हो गया तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉल्डेबल एग्रीमेंट बोलेंगे जैसे एक माइनर है एक माइनर एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हुआ और उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया लेकिन माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा वॉयडेबल एग्रीमेंट मतलब एनफोर्सिबिलिटी तो थी लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थे जैसे डरा धमका के मैंने आपको बोला कि मैंने किसी के आ, सर के ऊपर गन रखी और मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो उसको बोलते हैं कोयर्शन तो ऐसे केस को ऐसे एग्रीमेंट्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर तो ये आज हमने थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अपने डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशंस किया है तो इसमें से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है बिकॉज ये वर्ड्स अभी बार बार आपको आगे सुनने मिलेंगे वर्डेबल एग्रीमेंट इ लीगल एग्रीमेंट इज़ वर्ड अब अबिन इश्यू ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको सुनने मिलेंगे और ये टेक्निकल पॉइंट्स आपके लिए नए हैं तो ध्यान से पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे ताकि आपको ये बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द एक्ट्स इन दिस और एक्ट कैसे होते हैं प्रिसाइज होते हैं उसको हमें ध्यान से पढ़ना है बिकॉज एक्ट अगर हम कोई भी चीज़ें उसमें चेंज करेंगे तो फिर उससे आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे एक्सप्लेनेशन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो लेकिन जो कंसेप्ट है वो सेम होना चाहिए तो वी हैव डिस्कस टूडे कि एग्रीमेंट क्या होता है सेक्शन टू सेक्शन सी के अंदर फिर हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सेक्शन टू सेक्शन एच के अंदर फिर हमने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा फिर हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा और हमने कॉन्ट्रैक्ट का भी छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लिया है तो अगले बार मिलेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस लेक्चर दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड ऑल द बेसिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फिर आगे धीरे धीरे हम आगे के पॉइंट्स कवर अप करते जाएंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर